हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ हो रही है मंदिर की सफाई, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी, गणेश चौथ, और मैं करती हूँ गणेश चौथ का व्रत। तो नहा धो के आने के बाद मंदिर की सफाई कर रही हूँ। किस किस के यहाँ गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ की पूजा होती है और व्रत करते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। वो रेनू आंटी की बालकनी का है। अच्छा, तो रेनू आंटी की बालकनी में सामान रखा है, उसी के पीछे छिपकली शीशे पे चिपक के दबी पड़ी है। मैं जो खट्टे से करके आया, भागी नहीं वहीं पर थी। मंदिर की सफाई करने के बाद यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। और ये थोड़े से फ्रूट मॉर्निंग में लेके आए थे, बाकी इवनिंग में लेके आएंगे। ये मैंने धो के रख दिया था यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। और आज है गणेश चतुर्थी का दिन, तो सबको, जो लोग व्रत हैं, जो लोग नहीं व्रत हैं, उन सबको गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये व्रत होता है संतान के लिए, तो आप सबकी संतान, बेटा हो बेटी हो, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े। मेरी आज की पूजा हो गई है। कुछ फ्रूट्स ये लेके आए थे, वो भी मैंने धो के रख दिया है। तो आज का व्रत जो होता है निराजल होता है। जो लोग भी व्रत करते होंगे वो लोग को पता होगा कि निराजल व्रत होता है, क्योंकि शाम को अर्घ देते हैं। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, चंद्रमा को अर्घ दे के तभी मुझे पानी पीना है। पूजा मेरी हो गई है, मॉर्निंग वाली पूजा, शाम की पूजा अलग होएगी। तो चलिए आगे क्या क्या होता रहता है मैं आपको बताती रहूँगी। और यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को लगभग 5-6 बजे। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ अपने बेड के ऊपर, और पुरानी वाली जो बेडशीट थी, पुरानी मतलब कि जो पहले वाली बिछी हुई थी, वो मैंने हटा दी थी। हटाई तो मैंने सुबह ही थी, लेकिन बिछा अब मैं रही हूँ शाम को, क्योंकि पूजा करने से पहले मैं घर में जितनी बेडशीट वगैरह होते हैं सब चेंज कर देती हूँ व्रत वाले दिन। और यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन करने लगी थी। अंश और अंश के पापा के लिए रोटी बना रही थी, और अंश मेरे से पूछ के किचन में आया था। उसे लगा कहीं मम्मी प्रसाद वगैरह ऐसा कुछ बना रही हो कि मैं चप्पल पहन के अंदर आ जाऊँ, तो मम्मी कहीं गुस्सा ना करने लगे, बस इसीलिए। इस टाइम पे मैं कर रही हूँ बालकनी की धुलाई, क्योंकि इस पूजा को मुझे बालकनी में ही करना था। दिन में मैंने बालकनी को धो दिया था, लेकिन चप्पल वगैरह पैर पैर से सब फिर हो ही जाता है, तो मन नहीं मानता है पूजा करने के लिए। तो मैंने कहा कि अब इस बार धो दूंगी इस टाइम पे, तो कोई भी नहीं आएगा। और कपड़े वगैरह मैंने सब हटा दिए थे, एक छोटा सा एक कपड़ा पड़ा हुआ है तो ये गीला ही था। तो बस अब बालकनी को धोऊंगी, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। पानी ना पियो तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा लगती ही, और पसीना बाहर एकदम निकले जा रहा था शरीर से, काम करने के टाइम पर और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। पूजा करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी अपने लिए फलहार बनाने, और यहाँ पे मैंने आज इंडक्शन सेट कर लिया था अपने फलहार बनाने के लिए। किचन में अपने लिए फलहार नहीं बनाया था, क्योंकि बार बार कोई ना कोई आएगा जाएगा तो वहाँ मन नहीं मानता है, इसलिए यहाँ पे फलहार बना रही हूँ। पूजा वगैरह सब हो गई है और बहुत अच्छे से मेरा गणेश चौथ निपट गया था। ये गणेश चौथ स्पेशल व्लॉग है आप लोगों के लिए। ये आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गणेश चौथ का व्लॉग आपको कैसा लगा, और जिसने भी गणेश चौथ का व्रत किया हो जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।